www.islamicwaves.com. Assalamu alaikum and welcome to Live Wire in Focus. Aaj hum baat karenge Islamic banking ke hawale se. Aksar Islamic banking ke hawale se kafi controversy bhi hoti hai, logon ke apne apne opinions bhi hain Islamic banking ke hawale se. Halanki kafi awareness increase bhi hui hai Islamic banking ke hawale se. To in sari cheezon pe hum baat karenge jo shayad kuch misunderstanding hai iske hawale se, ya agar misunderstanding nahi hai to in cheezon ko hum clear karne ki koshish karenge. Show ke zariye hamare sath aaj studio mein maujood hain Mufti Ehsan Waqar sahab, jo Sharia expert hain. Thank you so much Mufti sahab for joining us on Live Wire and Focus. Aur unke barabar mein baithe hain Saleem Thapra wala sahab, jo corporate aur bankers ke liye lawyer bhi reh chuke hain. Unke in fact abhi bhi lawyer hain. To inka opinion thoda sa wo, unke kuch reservations hain Islamic banking ke hawale se, aur obviously Mufti sahab kyunki Sharia scholar hain, wo hum koshish karenge ki wo agar reservations hain ya agar koi kuch objections hain jis tarah Islamic banking Pakistan mein implement ho rahi hai, इन चीजों को हम शो के जरिए होपफुली क्लियर करने की कोशिश करेंगे. नाउ उससे पहले हम इस्लामिक बैंकिंग के कुछ नंबर्स पे नजर डालने की कि किस तरह का सिनारियो रहा है इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री की जो ग्रोथ नंबर्स हैं. सबसे पहले जो टोटल एसेट्स और टोटल डिपॉजिट्स पे नजर डाल लेते हैं कि क्या शेयर है. आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि सितंबर 09 तक तकरीबन 323 बिलियन रुपीज तक पहुंच गए थे ओवरऑल एडवांसेस. इनफैक्ट टोटल एसेट्स तकरीबन 5.3% मार्केट शेयर था. उसके अलावा टोटल डिपॉजिट्स में तकरीबन 5.5% मार्केट शेयर इस्लामिक बैंकिंग का है. और आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी ग्रोथ आई है फ्रॉम 4.8% टू 5.5% दिसंबर 08 और सितंबर 09 के दौरान. उसके अलावा नेट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स की तरफ अगर नजर डालें तो 186 बिलियन था दिसंबर 2008 में और तकरीबन 4.3% था मार्केट शेयर. वो इंक्रीज हो गया है. एक्चुअली इनफैक्ट काफी तक स्टैग्नेंट ही रहा है, तकरीबन मार्जिनल कमी आई है 4.2% इन टर्म्स ऑफ द शेयर इन इंडस्ट्री. टोटल नंबर ऑफ इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस तकरीबन 19 इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस सितंबर 09 तक हैं और टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है इस्लामिक बैंकिंग की वो तकरीबन अब 551 तक हो गई हैं. 515 थी दिसंबर 2008 में और 551 हो गई है. 12% का स्टेट बैंक का 2012 में टारगेट है. लेट्स सी के वो टारगेट मीट हो पाता है या नहीं इन द कमिंग ईयर्स. अभी जो है तकरीबन 5.3% मार्केट शेयर है. नाउ हम बात करेंगे जैसे हमने कहा कि इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से जो भी जो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कोशिश करेंगे कि इसे क्लियर करें. शो का आगाज करते हैं मुफ्ती साहब से. मुफ्ती साहब सबसे पहले आप ये बताइए कि इस्लामिक बैंकिंग है क्या, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल बैंकिंग. इससे पहले अगर एक सवाल ये समझ लिया जाए कि माशरे में मईशत की क्या हैसियत है, तो अगर उस पर नज़र डाल दिया जाए. और दूसरा एक ये मसला है कि इस्लाम को हम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कहते हैं, हर पहलू पे इस्लाम रहनुमाई फरमाता है मुसलमानों की, तो क्या ये सेक्टर मईशत का इस्लाम ने कभी एड्रेस किया है या नहीं किया है. यकीनन इस्लाम ने इसको बहुत अच्छी तरह से एड्रेस किया है. अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हमारा जो ज़्यादातर वक्त है इबादात में, तो मुमकिन है कि पूरे 24 घंटे में घंटे दो घंटे के लिए हम अपने आप को फारिग कर दें, बाकी जो है वो तो मामलात और माशरत पे ही गुजरती है. तो ये मामलात से मुतालिक मईशत है और मईशत को अगर इस्लाम एड्रेस ना करे तो ज़िंदगी अधूरी रह जाती है. सही. तो इसको बहुत अच्छी तरह से इस्लाम ने डिफाइन किया है. अगर इसकी कंपैरिजन इस नज़रिए से की जा रही है या इस एस्पेक्ट से की जा रही है कि मौजूदा ज़माने की बैंकिंग का इस्लाम में क्या अमल दखल है या इस्लाम का इस मौजूदा ज़माने की बैंकिंग में क्या अमल दखल है, तो हम ये कहेंगे कि क्या ये बैंकिंग इस वक्त माशरे की ज़रूरत है या नहीं. अगर माशरे की ज़रूरत है तो यकीनन इस्लाम इसको एड्रेस करेगा और इसका एक मुतबादल तरीक़ा देगा. सही. जो मौजूदा कन्वेंशनल बैंकिंग है वो तो बेसिकली एक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स है कि हाउस होल्ड जो पैसा सरप्लस होता है वो लाके बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स या इंडस्ट्रीज़ हैं वो उस सेक्टर से बैंक से वो पैसे लेकर अपने प्रॉफिट्स एक्सप्लॉइट करता है और उस पर वो इंटरेस्ट दे रहा होता है. तो इस्लाम ने कोई ऐसा खाका पेश किया, इसकी कोई सूरत है, तो इसकी सूरत यकीनन इस्लाम ने बयान की है और मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के थ्रू, मुदारबत के थ्रू, मुशारकत के थ्रू उसने एक्सप्लेन किया है.
कि हमारा रिलेशन लायबिलिटी साइड पे डिपॉजिट साइड पे क्या होगा और हमारा, क्योंकि हम इस वक्त इस करंट सिचुएशन पे बात कर रहे हैं कि मौजूदा बैंकिंग को अगर हम इस्लामाइज करते हैं तो उसके लिए क्या तालीमात हैं, कोई ऐसे शवाहिद हैं, वैसी इंस्ट्रक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल इस्लाम ने इसको एड्रेस किया है और बुनियादी यही है कि वो मुजारबत पे है, मुशारकत पे है। आगे जो ऐसे मुफ्ती साहब, ये तो ऑब्वियसली इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये सब कुरान सुन्नत के जरिए आपको मिल जाएगा नाउ, लेकिन आप इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लें, बेसिक एक डेफिनेशन अगर आप एक ब्रीफली दे सकें डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक बैंकिंग एंड कन्वेंशनल बैंकिंग। इट्स बेसिकली यू कैन जस्ट जिसे कहते हैं कि डिफाइन इन सिंपल सेंटेंस कि ये एसेट बेस्ड बैंकिंग है जहां पर एसेट की इन्वॉल्वमेंट लाजमी होती है और कन्वेंशनल में देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट्स व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांजैक्शन। इट्स मोर बेस्ड ऑन लेंडिंग एंड बोरोइंग। हमारे यहाँ लेंडिंग एंड बोरोइंग इन टर्म्स ऑफ एसेट्स होगी, विदाउट एन एसेट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। एसेट बैक्ड होना जरूरी है, ये बहुत बड़ी एक डिफरेंस है। डिफरेंस सर, आपकी जो डिसएग्रीमेंट है इस्लामिक बैंकिंग से वो क्या उसका बेसिस क्या डेफिनेशन है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन है? देखिए पहले तो मैं आपको क्लेरिफाई करता हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में इस्लामाइजेशन का आना या इसे शरीयत के मुताबिक बनाना, मैं उसकी पूरी हिमायत करता हूँ। और जिस तरह से सूद या रिबा के जरिए से लोगों का जो इस्तेहसाल होता है उसको ख़त्म करने के लिए नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग इस्लामिक तर्ज पे पाकिस्तान में पहली मरतबा अनाउंस की गई और दुनिया के मुख्तलिफ और ममालिक में भी की जा रही है। मेरा जो बुनियादी इख्तलाफ था, है और रहेगा वो ये कि आप जितनी भी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी की बातें करें, इस्लाम ने जितनी भी मुदारबत या मुशारका या मुहारका या मुबार जितनी भी डेफिनेशंस बताई हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन के हवाले से जो बैंकिंग में इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, मेरा कहना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में आज तक जितनी भी इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की गई हैं उनमें इस बेसिक एसेंस ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो आउट है। और वो क्या है? वो क्या है? बेसिकली इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का कंसेप्ट क्यों आया कि सूद दर सूद लगते लगते लोगों का इतना इस्तेहसाल होता है कि वो सारी जिंदगी की जमा पूंजी देने के बाद भी कर्जे से आजाद नहीं हो सकते। सही। इस वजह से इंटरेस्ट फ्री के कंसेप्ट को लाया गया जिसमें मौलाना साहब ने कहा कि असेट बेस्ड बैंकिंग होती है। ये बिल्कुल सही है। तो यानी आप कह रहे हैं कि आपको www.islamicwaves.com